वकील मंडल सुमेरपुर एमराज पुरोहित विकास समिति सुमेरपुर ने राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी विनोद मल्होत्रा को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बाड़मेर के पत्रकार दुर्गा सिंह राज पुरोहित के साथ बिहार प्रदेश के पटना में दर्ज झूठे मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी आनन फानन में की गई गिरफ्तारी को लेकर एतराज जताकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच करवाने एवं पत्रकारों की सुरक्षा को कानून के दायरे में लाने संबंधित बिंदुओं की पुरजोर मांग की गई। राकेश पासवान ने अन्य बदनीयत व्यक्तियों के साथ मिलकर दुर्गेश उर्फ दुर्गा सिंह की छवि खराब करने तथा चरित्र का पतन करने हेतु उक्त मामले का सरासर गलत तथ्यों के आधार पर सुनियोजित षड्यंत्र के अनुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है, जिसमें दुर्गेश उर्फ दुर्गा सिंह के साथ अन्याय हुआ है तथा बेवजह न्यायिक अभिरक्षा की पीड़ा भुगत रहा है। दुर्गेश सिंह की गिरफ्तारी से एवं गलत मामले में फंसाने से समाज के हर वर्ग में आक्रोश फैला हुआ है तथा मीडिया एवं पत्रकारी जगत में भी भारी असंतोष व्याप्त है। साथ ही भारत वर्ष के राजपुरोहित समाज में भी उक्त अन्याय में काफी असंतोष व्याप्त होकर पूरा राजपुरोहित समाज अन्याय की पीड़ा से विचलित है। राजपुरोहित समाज एवं वकील मंडल ने उच्च स्तरीय न्यायिक जांच करवाने एवं दुर्गेश उर्फ दुर्गा सिंह के साथ अन्याय करने व षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने एवं कार्रवाई अमल में लाने की मांग की गई है। देखिए, बाड़मेर के एक पत्रकार दुर्ग सिंह राजपुरोहित के खिलाफ पटना पुलिस ने एक मामला दर्ज किया झूठा SC ST अत्याचार निवारण के तहत, और उसमें राजस्थान की पुलिस कहना के बाड़मेर की पुलिस उसको बिना किसी वारंट के उठा के बिहार ले गई और वहाँ उसको जैसी कर दिया 14 दिन के लिए। पूरा राजस्थान नहीं, पूरा हिंदुस्तान का राजपुरोहित समाज तो आंदोलित है। कल पत्रकारों ने भी, उपखंड के सारे पत्रकार यहाँ पे आए, उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। मैं भी एक पूर्व पत्रकार हूँ, वहाँ भी साथ था। आज राजपुरोहित समाज और सुमेरपुर वकील मंडल के सारे सदस्य इस निर्णय की, इस कार्यवाही की भर्त्सना करते हैं, और ऐसा करते अगर किया है राजस्थान सरकार ने, हम ये मांग करते हैं कि इसकी न्यायिक जांच हो और दुर्ग सिंह को न्याय मिले। आज एक पत्रकार के खिलाफ हुआ है, कल आम आदमी की क्या औकात रहेगी? आम आदमी को तुम उठा के कभी भी जेल में डाल दोगे, उसकी इज्जत का ऐसी तैसी कर दोगे, तो एक मानहानि किसी व्यक्ति की करना ये भी गलत बात है। और कहाँ बिहार और कहाँ राजस्थान, राजस्थान से उठा कर बिहार ले गए और वो डिनाई कर रहा है कि मैंने पटना देखा भी नहीं, उसके बावजूद भी इस तरह की कार्रवाई की हम पुरजोर निंदा करते हैं, इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं और इसकी न्यायिक जांच की मांग माननीय राष्ट्रपति से करते हैं। हमने अभी ज्ञापन भी दिया है SDO साहब को राष्ट्रपति के नाम से।